रेडियो सानवी 96.4 रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज को यह दैनिक संध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीति, घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करने। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत और छलफल खास करके देश के अभी के वर्तमान राजनीतिक परिवेश, साथ ही साथ स्थानीय तो निर्वाचन के नतीजा के जो परिणाम आयल, खास करके देखा जाए तो नेपाल के दूगो दल पर्सा जिला के 14 स्थानीय तह में जौन ओकर उपस्थिति होके के चाहे साफ न्यून देखल, जिसे कि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, वैसे ही नेकपा माओवादी केंद्र, ये दूगो पार्टी के अवस्था यहाँ बहुत ही कमजोर देखल दे। कारण का हो और साथ ही साथ नेपाल में 2 दिन सार्वजनिक विदा जोन देहल जात्र लग, शनिवार और आइतबार, आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय से आइतबार दे वाला सार्वजनिक विदा खारिज कर गई बच्चे। अब हफ्ता में एक दिन यानी कि पहले जैसन शनिवार के शनिवार मात्र सार्वजनिक विदा रही। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल के हमने क्या अगाड़ी बढ़ाए सुन और आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल में सहभागी कर लिया सन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के केंद्रीय महासचिव नागेंद्र चौधरी जी के। और सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में स्वागत करे के चाहे नेताजी, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, का हो रहा बाटे जी? अभी 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 स्थानीय तह के निर्वाचन बैसाख के 30 गते समाप्त भइल और ओकर मतगणना होते 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 रिजल्ट तनी लेटे से आइल। जी जी, अभी संपूर्ण रिजल्ट आइला के बाद में स्थानीय तह में कार्यपालिका के निर्वाचन जो होकेला वो भी संपन्न भइल। अब ये सारा के प्रक्रिया के बीच में निर्वाचन में कैसन किस्म के हमने के भूमिका रहल, गठबंधन के भूमिका कैसन रहल, ये संपूर्ण विषय में वो समीक्षा के कार्यक्रम होकेला ओकर समीक्षा के कार्यक्रम चल रहल बा देशव्यापी। आकर हमने के बैठक कर रहल बानी या निर्वाचन के समीक्षा कर रहल बानी? अब जैसे कि निर्वाचन के समीक्षा कर रहल बानी लगन स्थानीय तो निर्वाचन 2079 के जोन मत परिणाम के नतीजा आयल, ये नतीजा प्रति अपने लगन के समीक्षा का रहल बाटे? देखिए माने जे परिणाम आयल बा ये स्वागत योग्य बा, लेकिन ऐसे संतुष्टि और असंतुष्टि के बात कहन तो हमनी के अनुमान से कम सीट अला के नाते हमने उतना माने संतुष्ट नहीं की, लेकिन हमनी के ऊपर जो एगो प्रचार कर जा रहा है कि लोग जीरो हो जाए कह के एक सीट ना आई। आ कोई कोई यहाँ तक ले कहले रहे कि जे लोग एक सीट अगर चलाई तो सारा संपत्ति दान कह के चल जाए वृंदावन। उस सब लोग के मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि हमनी के माने संख्यात्मक हिसाब से अच्छा संख्या में हमने के निर्वाचित बानी, महानगर भी जीतल बानी, उप महानगर भी जीतल बानी, नगर भी जीतल बानी, गांव पालिका सब भी जीतल बानी। यानी कि जोन टिप्पणी होत रहे कि स्थानीय तो निर्वाचन 2079 से नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी विलय हो जाये, वो अवस्था ना देखे के मिलल, जे सपना देखत रहे ओकर सपना चकनाचूर हो गए।
विलय से भी नेकपा एकीकृत समाजवादी के अस्तित्व समाप्त हो जाए, ये नाम के पार्टी ना रह जाए कह के, जो उन लोग के सपना रहे चाहे दिवा सपना कहें या चाहे परिकल्पना कहें, चाहे उन लोग के इच्छा रहे चाहे चाहना रहे कि ऐसा हो जाओ, वो लोग के जवाब मिल गए कि वो गलत चीज है। ई भी पार्टी यह धरातल में बा, यह धरती में बा, यहाँ के जनता के बीच में बा, ई भी एगो कोनो दर्तन भइल बा अपने के बीतल भादो के नौ गते है। जी जी। लेकिन ई पार्टी के शुरुआत के हिसाब से कहल जाए तो नेपाल में जहिया कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भइल 2006 साल में गठन भइल 2006 साल में ओकरे निरंतरता के रूप के ई पार्टी है, ऐसे उ लोग के जवाब मिल गए। अब जैसे कि चुनाव से पहले यानी कि चुनावी दौरान में जो नवेरा अभी प्रचार प्रसार चलत रहे वो बेरा तो आकलन रहे कि बढ़िया सीट हमने के परसे जिला के बात कही कि बढ़िया सीट आई परसा जिला में, लेकिन परसा जिला में अपने लगन के जो उपस्थिति देखल गई एकदम न्यून हो गई, एक कारण का है? हमने के चुनाव से पहले जी अकेले चुनाव लड़े में तो 3 गो पालिका के प्रमुख और बीरगंज महानगर पालिका के 4 गो वार्ड और विभिन्न पालिका के वार्ड सब में हमने के जीतेब कह के हिसाब के आकलन रहे, वो यथार्थ धरातल पर रहे, वास्तविकता भी रहे और संभव भी रहे। लेकिन उहे कह रहा बने उमे एगो हो गए गठबंधन के विषय, तो गठबंधन में ई गठबंधन हुई 5 दल के बीच गठबंधन होखबे करी, 753 पालिका में हुई कह के हिसाब से एगो हमनी के गठबंधन के प्रति बहुत विश्वस्त हो गई। नहीं हमनी सोचनी कि भाई हमनी के माने गठबंधन से ही जाए के बा, तो उहे जगह तैयारी कर जाए कि जहाँ हमनी के दावी कैला से दावी मुनासिब ठहर हुई, वो हिसाब से हमने के हरेक जगह दावी ना कहनी सन, निश्चित जगह पर दावी करते रहे सन। जी जी। लेकिन जो जो निर्वाचन के दिन नजदीक आये उमे हमने के गठबंधन के प्रति कितनो ईमानदार रही, कितनो मैंने सकारात्मक सोच में रही, परंतु गठबंधन के दिन तारल गए ऐसा किस्म के तारल की आज बसने भोली बसने करते 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 अंतिम अवस्था तक ले गठबंधन जब होके गए, यहाँ तक लिखित भी हो गए कहीं कहीं लिखित भी हो गए कि जो हाँ हमने के गठबंधन में फलाना ही पद के भी हो गए, लेकिन ओकरा के भी जब अस्वीकार कर दल गए तब जाके हमने के बाध्य होके अकेले जाए के पड़ला के नतीजा का भल कि हमने के निर्वाचन में जाए खातिर पूरे तैयारी के साथ तो गई नहीं सन, लेकिन समय अभाव के चलते कहीं चाहे गठबंधन के प्रति के भरोसा कहीं चाहे आर्थिक हिसाब से कहीं, कारण कि ये चुनाव में देखल गए कि आर्थिक काफी चलखेल भइल, अर्थ के पूरे चलखेल भइला के नाते हमनी के उम्मीदवार हमनी के पार्टी भी आर्थिक सहयोग ना कर सकल, वो हमनी ना कर सकनी उम्मीदवार के, आ उम्मीदवार भी स्वयं वो हिसाब से मैंने सक्षम ना भइल कि करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव में सहभागी होकली, नतीजा का भइल कि हमनी के मार खाए के पड़ल, ओकर बावजूद भी कहीं कहीं तिकड़म भी भइल। तिकड़म कोना किस्म के भइल कि कोई के हरावे खातिर जैसे उदाहरण के रूप में परसागढ़ी नगर पालिका के मेयर उपमेयर हमने के जीते के करीब करीब अच्छा अवस्था रहे, लेकिन वहाँ का भइल कि जे नेपाली कांग्रेस के हरावे खातिर के जीत सकी, तो सूरत जीत सकी, एमाले जीत सकी, ऐसे एमाले के बरू वोट दे दो कह के डाइवर्ट करे वाला खेल रहता रात भइल, नतीजा हमनी के ओकर नकारात्मक परिणाम भाई वही तरीके अपने के देखी पगहा मैनपुर में, पगहा मैनपुर के गांव पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्लस 3 गो वार्ड 5 गो में 3 गो वार्ड हमनी के जीते के करीब करीब दावी रहे, वो में हमनी के देले रही सम्मानजनक हिसाब से कि भाई एगो पासवान माने दुसाद समुदाय के मदन पासवान जी के हमनी के गांव पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार बने ले रहे सन, लेकिन उनकरा साथे के भेल कि जे दलित हुवन इनका हमनी के अध्यक्ष मान ले जाए तो मालिक हो दे चाहे मुखिया हो दे तो हमनी के इनका के नमस्कार करे के परी, ऐसे इनका के काहे हमनी के कही जाए, वो एगो मैंने नकारात्मक असर पड़ गए। ये वही तरह अपने के बहुदर मई नगर पालिका में हमनी के एगो थोड़ा सा प्रयास रहे
तो बहुदर मई नगर पालिका के अवस्था के रातारात रात बिगड़ गए कि भाई वहाँ पहले से नेपाली कांग्रेस जीतल रहे तो ओकरा के हरावे के बाद तो के नहीं कल जा तो सूरज नहीं कह रहे इसी नहीं के हरा सकत कलम छाप नहीं के हरा सकत तो बदल रह जाए ऐसन किस्म के अवस्था में हमने के पराजय भोगे के अवस्था आयल वीरगंज महानगर पालिका के वड़ा के सबके भी स्थिति वही किस्म से रहल नतीजा आज हमने के माने परिणाम में नकारात्मक अवस्था में रहल जहाँ तक वीरगंज महानगर पालिका में प्रमुख और उप प्रमुख में जो गठबंधन भई रहे वो में हमने के पूरे सहयोगात्मक हिसाब से आगे बढ़ने संपूर्ण रूप से सहयोग कहीं नहीं सहन और प्रतिफल भी आए यानी कि गठबंधन के धर्म निभैनी लगन ओकर परिणाम भी सही है सब सब प्रतिशत। लेकिन आज के दिन में देखा जाए परसा जिला में अपने लगन के पार्टी के अस्तित्व अब धराप में बा कह के टीका टिप्पणी हो रहा बड़ा सन का कहे के चाहे। देखिए हमने के परसा जिला में जैसे वीरगंज महानगर पालिका में चाहे गठबंधन के जितना चक्र चलल जी इस सारा चक्र के बावजूद भी 199 सीट में हमने के उम्मीदवारी रहे आ ओकरा से कुछ कायम उम्मीदवारी कायम कुछ ऐसा जगह रह गई कि फॉर्म भरे के सिलसिला में नॉमिनेशन भरे के सिलसिला में नीचा ऊपर हो गए ला के चलते जैसे उम्मीदवार केहू के प्रस्तावक और समर्थक हो गए ला के नतीजा पहले तो प्रणाली रहे प्रस्तावक और समर्थक तो प्रस्तावक और समर्थक भैला के बावजूद भी वो उम्मीदवार भी हो सकत रहे कह के प्रणाली रहे फिर ना रहे तो पर वैसन किस्म से उम्मीदवारी खारिज कुछ आदमी के हो गए फिर भी हमने के तकरीबन मैंने 199 एग्जैक्ट हम कह रहे बने कि हमने के उम्मीदवारी रहे आ इतना प्लस जगह उम्मीदवारी खारिज भैल सब मिला जिला के हमने के मोटा मोटी 205-207 आदमी तो उम्मीदवार कायम बा ओकर बाद में हमने के पार्टी के जिला कमेटी बा पालिका कमेटी वार्ड कमेटी बा ये तमाम बा संपूर्ण के जन संगठन वगैरह भी बा संपूर्ण जीवित बा तो ये संपूर्ण के हमने के लिए दे के चल रहा बानी सन त हमने के अभी पार्टी के जगह पुनर्गठन के प्रक्रिया में रही सन तकरीबन 2.5 महीना के तैयारी के उपलब्धि निर्वाचन में व्यापक रूप में कलम चिन्ह के प्रचार प्रसार करे में सफल बनी सन देखी। लेकिन परसा जिला में अपने लगन के खास करके देखल जाए तो नेकपा एमाले से बरियार कह के अपने लगन था आकलन होखत रहे लेकिन नतीजा विपरीत के हो गए सबसे कमजोर अपने लगन हो गई ये बेरा नेकपा एमाले एक नंबर पार्टी हो गई परसा जिला में। देखिए हमने के नेकपा एमाले के कमजोर हमने के मजबूत बानी सन कह के आकलन कोई कोई कैले हो लोग अपना मन से भीतरी रूप में हमने के कहियो ना कही सन हमने के ये रहे कि नेकपा एमाले भी माने उतना आगे ना बढ़ सकी जितना अभी ओकर परिणाम आयल बा 5 गो पालिका में प्रमुख जीत के जी एकर विविध कारण बा एकर विविध कारण बा जैसे उदाहरण के रूप में हम देख रहल बानी हमने के जगह एगो अभ्यास के निशन गठबंधन के वो गठबंधन ना भइला के नतीजा हमने के एक तो निर्वाचन चिन्ह माने कॉलम नया बैलेट पेपर ऐसा हो गए कि इतना भद्दा बैलेट पेपर हो गए कि निर्वाचन चिन्ह खोजे में आदमी के दिक्कत तो पहले से कार्यकर्ता में कार हो गए कि ना कुछ हो गए तो हमने ये माले बानी सन शुरू छाप बानी सन शुरू 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 वो भावना ई के चलते ओकर सकारात्मक असर पड़ल विपक्षी भी माने विपक्षी कहे मतलब कि नेकपा ये माले बाहे के दल सब भी अपना के वो ढंग से स्थापित बाहर से हो ना लागल जैसे नेपाली कांग्रेस के रहे कि 14 में 14 ही हम ही जीते जी जी जसपा के रहे कि जो 14 में 12 गो में हम कमजोर बानी बाकी 14 गो में 2 गो में कमजोर बानी 12 में जीत सकता नहीं नेकपा माओवादी केंद्र के भी वैसे रहे कि हमने के व्यापक रूप में मजबूत बानी सन कह के तो ये अपन अपन माने भावना के चलते भी वो लोग के का हो गए वो लोग में किसी से कहीं तो दम्भ के हिसाब से कि वो लोग में कि हम ही आगे बानी सन वो नेकपा एमाले कितना आगे बढ़ल बा सूरज छाप कितना आगे बढ़ल बा वो लोग के मूल्यांकन से बाहर के विषय रहे हमनी के तो कहबे करी सन कि नेकपा एमाले की स्थिति अभी माने राष्ट्रव्यापी रूप में अच्छा बा
तो हमनी को ओकरा के कहियो नजरअंदाज ना कैनी सन, लेकिन हमनी के अपन परिणाम भी माने अच्छा रही कह के अनुमान रहे, हमनी के अनुमान भी ठीक ना रहे, ठीक रहे, परंतु ये विविध कारण से जो हम कहनी है विविध कारण से हमनी के माने आज परिणाम नकारात्मक भई। लेकिन नेताजी तो लागत हुई अपने के कहीं ना कहीं कमी खटकत हुई कि यदि नेकपा एमाले विभाजित ना रही तो आज परसा जिला में और ज्यादा सीट रहित कि ना। देखिए नेकपा एमाले अगर विभाजित ना रही तो देश व्यापी रूप में एक नंबर पार्टी होकबे करी, अब बड़का पार्टी माने बहुत काफी सीट से आई थी, मैं तो कोनो दो मत नहीं है, अभी तो विभाजित भैया के चलते ना दोसर का स्थान में आएल जी जी ना, तो अगर ना विभाजित रही तो एक नंबर तो होके ही रहे, वो तो अत्यधिक सीट जीतित। ये परसा जिला में भी 2070 साल 74 साल के चुनाव में जम्मा जमी दो जगह पालिका के अध्यक्ष में जीत रही सन, जीरा भवानी और पटरवा सुगौली जी। अब की पारी हमने विभाजित भैया के बावजूद भी 5 पालिका के प्रमुख में नेकपा एकीकृत एमाले जीतल बा, तो ओकरा के एकरे से मिलान आली कि अगर हमनियों के साथ में रहते सन तो निश्चित रूप से 2-3 और बढ़ी। अब आगामी दिन में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के रणनीति का रही, कौना ढंग से आगाड़ी बढ़े के सोच बना रहल बानी लग। देखिए हमने अभी जंगिया पहले 2.5 माने अब तो 3.5 करीब करीब हो गए, 3.5 के दरमियान जंगी हमने के संगठन विस्तार और प्रचार प्रसार के क्रम के आगे बढ़ेनी सन और चुनाव में आईनी सन, हमने के खातिर तो चुनाव हठात आ गए। देखिए हमने के तैयारी करे का अवस्था ना रहल, फिर भी आवे वाला जो चुनाव बा प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा वो ज्यादा नहीं के मैंने कार्तिक के लास्ट या मंगसिर के फर्स्ट सेकेंड वीक में होके के जब जो बात आ रहा बा वो हिसाब से हमने के टारगेट बाकी वो निर्वाचन के क्रम में हमने के संगठनात्मक काम के पुनः मैंने व्यवस्थित करके सुदृढ़ करके प्रचार प्रसार के व्यापक करके उम्मीदवारी के भी वही ढंग की तैयारी करके चले के। जहां तक बात बा अभी भी केंद्र में ये छलफल चल रहा बा, समीक्षा भइला के बावजूद भी कमी बेसी अपन जगह पर बा, ओकर बावजूद भी गठबंधन कह के ही चले के जो बात हुआ तो उकरा के भी हमने के सकारात्मक रूप से ले रहा बनी सन, लेकिन लेट से गठबंधन हो या चाहे ना हो के जो परिणाम आ रहा हुआ चाहे निष्कर्ष आ रहा हुआ ये बैठी कर रहा, जितना जल्दी अगर आ जाए कि हाँ गठबंधन हो या चाहे ना हो उतना ठीक हुआ, यदि गठबंधन हुई तो पहले महानगर और उप महानगर के बारे में जो केंद्र निर्णय के लिए रहे गठबंधन कह के वही तरह अभी 165 प्रतिनिधि सभा क्षेत्र और 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र के जम्मा जमी माने इतना क्षेत्र के अगर यथाशीघ्र पार्टी गठबंधन केंद्रीय गठबंधन अगर निर्णय कर देता तो निर्णय करे में ओकरा का करे पड़े कि अब अपने के इतना प्रतिशत उतना प्रतिशत ना निर्वाचन क्षेत्र घोषणा कह के कि 165 में नेपाली कांग्रेस कौन कौन जिला के कौन कौन क्षेत्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी के कौन कौन जिला के कौन कौन निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सभा के कौन कौन निर्वाचन माने कौन कौन जिला के कौन कौन निर्वाचन क्षेत्र की पूरे किटान कह के यदि चला होता हमने के स्वीकारे बा हिसाब से चलेम सन, आ ना तो हमने के अपन तैयारी कर रहा बनी सन अपन तैयारी के साथ ही चलेम सन। अगर ना हो पहले का प्राथमिकता गठबंधन, यदि गठबंधन हो जाता तो गठबंधन से जाए लगन, नहीं क्यों होकर तो स्वयं अकेले जाए खातिर भी अपने लगन तैयार हमने के हाँ हमने के अकेले चाहे जकरा जकरा से बातचीत मिल सकता है समझदारी हो सकता है ओकरा साथे तालमेल करके जा सकता नहीं सर जी, गठबंधन ना हो तो तालमेल तो हो सकता जी जी। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत और छलफल में खास करके अभी रेडियो सानवी सुन रहा अपने की पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहे आम जनता में क्या कहेंगे चाहे हम संपूर्ण मतदाता जगरा के हमने के जनता जनार्दन कहलनी वहां सबके बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाह रहा बानी की स्थानीय तौर के निर्वाचन में अपने लोग जो उत्साह के साथ निर्वाचन में सहभागी भईनी
अपन इच्छा अनुसार के उम्मीदवार के मत देनी जितनी कोनो किस्म के मैंने दबाव पड़ल चाहे लो प्रलोभन आदि इत्यादि सारा के मध्य नजर रखते हुए जो अपन मतदान कैनी खतरे बहुत बहुत धन्यवाद। और आवे वाला निर्वाचन अभी देखल जा रहा बा कि कई एक जगह मैंने चयन भइल बा जनप्रतिनिधि ओकरा बारे में इत अभी टिप्पणी कइल तनका जल्दी हो जाए कि जीतल बा लोग उ लोग मैंने ठीक आदमी जीतल कि बेठीक आदमी जीतल एक मूल्यांकन कइल अभी तो जल्दी हो जाए लेकिन एकरा के यथाशीघ्र अपने लोग विश्लेषण करें मूल्यांकन करें कि ठीक के जितावल गेल कि बेठीक के जितावल गेल। परंतु आवे वाला चुनाव में अभी से सोचल जाए कि कौन पार्टी या पार्टी के उम्मीदवार जे साची सचकी में अपने के लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षार्थ संविधान के रक्षार्थ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत विकास और अपने के विकास और समृद्धि के रास्ता में जा सके वाला नेतृत्व दे सके वाला जनता के आधारभूत सवाल के उठा सके वाला नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका खेल सके वाला देखिए हम देख रहल बानी संसद में नीति निर्माण करे के जगह में नीति निर्माण संबंधी बिना अध्ययन अनुसंधान कई व्यक्ति ही पहुंच के वो नीति निर्माण में उनकर सकारात्मक भूमिका शब्द नहीं होके सकत जैसा हम देख एगो तो पार्टी को अपन किस्म के लाइन होबे करला साथे साथ अपने अपन अध्ययन अनुसंधान के आधार पर भी वहां प्रस्तुत भइला पर का हो कि पार्टी भी स्वीकार करी संसद भी स्वीकार करिए सत्ताधारी दल भी स्वीकार करी सब स्वीकार करी और वो नीति निर्माण में सहज हुई तो वैसन किस्म के योग्यतम उम्मीदवार के असल पार्टी के निर्वाचन में मतदान देवे खातिर हम अभी से अपील कर रहल बानी आग्रह कर रहल बानी। और अभी बहुत काफी गर्मी पड़ रहल बा गर्मी के समय में फिर कुछ दिन के बाद अभी मानसून प्रवेश हो रहा बा खेती पाती के दिन आ रहा बा खेती पाती के दिन में अच्छा से अच्छा अपन कृषि कार्य करी कृषि के थोड़ा आधुनिक और व्यवसायिक बनाव के करी कृषि उत्पादन के बाजारीकरण करे के चली कृषि उत्पादन के बाजारीकरण के सिलसिला में जो बिचौलिया के खेल बा ओकरा के अंत्य करे में कुछ भूमिका निर्वाह करी हमनी के समाज में जो देखल जा रहा बा सामाजिक अन्याय अथवा सामाजिक विकृति वा कहें कि हिंसा इस सब के विरोध में कैसे कइल जा सकल जाता बेरोजगार लोग के किंगे रोजगार दिलावल जा सकल जाता अभी के जो महंगाई जो बढ़ रहा बा इस महंगाई में कैसे अपना के प्रस्तुत कइल जा सकल जाता ठीक ढंग से इस संपूर्ण विषय में ज्यादा सचेतन पूर्ण तरीका से आगे बढ़े के हम संपूर्ण श्रोता महानुभाव से हार्दिक आग्रह कर रहा बानी अनुरोध कर रहा बानी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देने एकरा खातिर जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सानवी रेडियो और रेडियो परिवार के जी नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत सौर छलफल खास करके स्थानीय तह के निर्वाचन में परसा जिला में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के जौन अवस्था देखल गई एकदम बहुत ही दयनीय अवस्था रहे जौना के केहू परिकल्पना ना कैले रहे एंग तो चर्चा परिचर्चा होके लेकिन वो चर्चा परिचर्चा आज देखल जाए तो वास्तव में वास्तविकता में बदलल कहीं ना कहीं पार्टी के विभिन्न सारा कारण बाड़ सन एक बारे में हमने के बातचीत कैनी सन केंद्रीय महासचिव नागेंद्र चौधरी जी से। अब हमने के परसा जिला के दूसरका सदर मुकाम के रूप में माने वाला पोखरिया नगर पालिका में मेयर पद के चर्चित उम्मीदवार निजामुद्दीन सम्मानी जी भी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 में जोड़ तोड़ के साथ भाग ले रही व्यापक चर्चा परिचर्चा में रहनी लेकिन नतीजा वहाँ के पक्ष में ना आए कहाँ कमी कमजोरी जेकरा कारण से वहाँ लोग खास करके वहाँ के जौन एगो उद्देश्य रहे उद्देश्य हासिल करे ना सकनी आवेला दिन में वहाँ के रणनीति का बाटे लगायत विभिन्न विषय पर बातचीत करके खातिर निजामुद्दीन सम्मानी जी से हमने के फोन संपर्क में बानी सर। सम्मानी जी स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत सौर छलफल खास करके देखल जाए स्थानीय तौर के निर्वाचन के बाद के जौन नतीजा आए ये नतीजा अनएक्सपेक्टेड यानी कि केहू परिकल्पना ना कैले रहे
कि एक ही बार जनता में इतना बदलाव हुई और परसा जिला में खास करके देखा जाए तो 14 गो स्थानीय तह मध्य 13 गो स्थानीय तह के नेतृत्व ही परिवर्तन हो जाए, बहुत सारा वार्ड जोन बाटे वार्ड में भी परिवर्तन भइल बाटे। तो इससे कहीं ना कहीं अब जनता बदलाव खोज रहल बा। लेकिन कुछ ऐसा उम्मीदवार लोग रहे जो व्यापक चर्चा में रहे, लेकिन कौना वजह से का कारण से जी वहाँ लोग के जो नतीजा आयल वो नतीजा पक्ष में ना आए, खास करके देखल जाए वहाँ लोग के पक्ष में वो नतीजा ना आ सकल, ओकर कारण का है। और वैसे ही हमनी के परसा जिला के पोखरिया नगर पालिका जौन दूसरका सदर मुकाम के रूप में मानल जला, वहाँ भी बहुत सारा उम्मीदवार लोग निर्वाचन में रहे, हर एक पार्टी से रहे, लेकिन वहाँ नेकपा एमाले से प्रदुमन चौहान जी अंतिम कहीं ना कहीं चुनाव में तो जो जीता वहीं सिकंदर वहाँ के बाजी मरनी। बहुत सारा उम्मीदवार लोग चर्चा में रहे, वही चर्चा के में रहल निजामुद्दीन समानी जी भी बहुत जोर तोड़ से लागल रही, लेकिन वहाँ के पक्ष में नतीजा का है ना आई, नतीजा ना आईला के बाद में अब वहाँ के रणनीति का बा। आवेला दिन में जनता से जौन वहाँ के संपर्क रहे उस संपर्क कौना हिसाब से रही, पोखरिया के नगर के विकास के खातिर विगत में जौन सहयोग रहे वो रही कि ना रही, आगामी रणनीति का बाटे कौना ढंग से अगाड़ी जाए के सोच बा लगाए, विभिन्न विषय पर आज हमनी के बहस और छलफल करेम सन। और एकरा खातिर लोसपा के नेता एवं पोखरिया नगर पालिका की मेयर पद के उम्मीदवार निजामुद्दीन समानी जी से हमनी के प्रयास कर रहल बानी सन, संपर्क में लियाओ के प्राविधिक मित्र सत्येंद्र यादव जी प्रयास कर रहल बानी, वैसे हमनी के बात कही नहीं सन शुरू में, जैसे कि नेपाल में कुछ दिन पहले जौन बेरा हमनी के अर्थतंत्र श्रीलंका के अर्थतंत्र आर्थिक संकट से गुजरत रहे, पेट्रोलियम पदार्थ सबके महंगाई डॉलर के महंगाई डॉलर के रोके के खातिर देश में जौन संचित पैसा बाटे ओकरा के हमनी के देश में रखे खातिर जौन हिसाब से अब जैसे ईंधन में बचत करे के खातिर सार्वजनिक विदा 2 दिन दहल गई रहे, आज ट्रायल में रहे, लेकिन आज मंत्रिपरिषद के निर्णय से असार ए गते से खास करके जौन आइतबार के दिन यानी कि इतवार के दिने भी सार्वजनिक विदा दहल जात रख छुट्टी रख वो छिट्टी अब खारिज हो गए। और वैसे भी देखल जाए तो बहुत सारा विरोध भी होत रख आज वो निर्णय भइल बा। सम्मानी जमनी के फोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी, वहाँ के स्वागत करे के चाहे। सम्मानी सर स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद। का हो रहा बाटे आजकल? आजकल विभिन्न सामाजिक गतिविधि में काम हो रहा बा। स्थानीय तो निर्वाचन के जो नतीजा आयल देखल जाए तो पोखरिया नगर पालिका से चर्चा में रहे वाला उम्मीदवार निजामुद्दीन समानी जी के बहुत बढ़िया चर्चा रहे, लेकिन नतीजा अपना पक्ष में ना हो के कारण का? ओकर कारण एक गो बा कि हमनी के संगठन और आर्थिक चल खेल जो अभी समाज में जो हो रहल बा ओकर परिणाम रूप में हमनी के देख रहल बानी सन। हमनी गांव में जितना भी घूमनी सन जी एक आदमी भी ना मिलल जे ना कहत हो के हम अपने के सपोर्ट करें, हम अपने से बढ़िया आदमी नहीं छे, अपने बिना पद में रह के बहुत काम कैले बानी, एगो बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जात रहे। और हमनी भी एकदम जौन ईमानदारी पूर्वक जौन हमनी काम कैले रहनी सन हमनी के भी आशा भरोसा रहे जनता हमनी के लिए आई, लेकिन कोनो बात नहीं के राजनीतिक में होला यही आवेला दिन में भी हमनी कोनो मतलब हारस खा के बैठम से ना हमनी के जौन सामाजिक गतिविधि बा जी अभी करिए रहल बानी सन आवेला दिन में भी करन सन। यानी कि बीतल समय जौन हिसाब से पोखरिया नगर पालिका के वहाँ के नगरवासी के विकास के खातिर जौन एगो योगदान रहे अपने के जौन एगो सहयोग रहे समन्वय रहे सहकार्य रहे आवेला दिन में भी रही निश्चित रूप से अपने देखले होकर चुनाव के जुमके बाद चुनाव बीतल ओकरा 8-10 दिन के ही बाद में हमनी के एगो संघर्ष समिति रहे कार्यालय सपना संघर्ष समिति जौना के हम तुरंत बैठक रखनी और जौन हमारे एगो सपना बा पोखरिया अस्पताल में 50 बेड बना के ओकरा के जिला अस्पताल बनाओ के जौन हमनी के संघर्ष रहे
और हम एगो और उपलब्धि जनता के देखा भी चले रही जो डिलीवरी के ऑपरेशन करा के जी जी जो हमारा इच्छा रहे कि हम जो बच्चा जन्मी ऑपरेशन होकर गोद में लेके खिलाए वो भी खिला दिए खा देनी और 50 बेड बना के एक नगर पालिका से अलग करके प्रदेश के अस्पताल बनाव खातिर जो विगत में हमने बजट लिए जो शुरुआत कैले बनी उ चीज के कार्यान्वयन करे खातिर हमने तुरंत विभिन्न पार्टी के नेता लोग से समन्वय करके नगर पालिका से समन्वय करके डेलीगेशन भी गई और तुरंत हमने निर्णय भी कही कि पोखरिया में मालपेट भूमि सुधार जोन सीडीओ कार्यालय के शाखा जोन विगत में रहे आज नहीं थे उकरा का स्थापना कराओ खातिर हमने काठमांडू भी जाए और संघर्ष जारी रहे। लेकिन अपने लगन जोन डेलीगेशन लेके जनकपुर गई रहनी वहां से क्या आश्वासन मिलल कब तक कार्यालय सब स्थापना हुई? यदि कार्यालय स्थापना जनकपुर से ना हुई कार्यालय स्थापना तो केंद्र द्वारा हुई लेकिन जो हमारे पहले बतेने जो स्वास्थ्य संबंधी जो हम सोच रहे तो अभियान हम शुरू करनी सन 50 बेड और जिला अस्पताल बनाओ के जी वो अभियान में कुछ रुकावट आई जो प्रदेश सरकार 4 करोड़ 4 लाख रुपया दलक जो हम काम ना करनी सन ओकर मतलब जो निगेटिव मतलब प्रदेश में छाप रहे ओकरा के क्लियर करे खातिर हम सभी दल जाके फिर एगो वचनबद्धता के साथ एगो एकरा के बनाओ के हमनी के एगो दबाव मूलक गतिविधि कैनी सन ओसे प्रदेश प्रमुख जे बान हमनी के यहाँ के मुख्यमंत्री जी लगाए स्वास्थ्य मंत्री के खुद वहाँ बुलैलन और बुला के हमनी के बात भी करैलन आश्वासन भी देलन ये बजट से हमनी के कुछ ज्यादा रकम छुटियाए और केंद्र में लगत कट्टा करके और प्रदेश सरकार के अंदर में ये अस्पताल लिया के एकरा के 50 बेड बनाए। जी कितना दिन में बन जाई? हमारा लागे तो खास बहुत दिन तो ना लगी समय प्रक्रिया और सरकारी प्रक्रिया अपने जानते बनी करे में टाइम लगी लेकिन हमारा लागे तो बहुत जल्दी ही आगे बढ़ी है सरकार होगा। लेकिन बहुत दिन हमनी के जागरूक बानी हमनी उमे लागल बानी तो जो हम चीज में आदमी लागल रही तो निश्चित रूप से वो काम पूरा होला और खाली एक बेर बोल देनी फिर सूच देनी तो वो महीना हो रुपया दिल अपने के उदाहरण हम बताओ प्रदेश सरकार 4 करोड़ रुपया दिल तो 4 करोड़ से मशीन किनाई लेकिन वहाँ व्यवस्थापन ना भे लेकिन हम लगनी सन तो विकल्प खोजनी सन दीर्घा जी दो वाणी संग लगे हम खुद जाके वो लोग के सहयोग लेके ऑपरेशन करवा के तो देखा दी तो कहा बात लागे के पड़ी ऐसे ही ना हुई एक बेर गईनी डेलीगेशन गईनी बोल देनी कह देनी सुन लेनी वो महीना हुई ओकरा खातिर कंटिन्यू लागे के पड़े ला का जी कंटिन्यू लागे और ही काम जो अभियान के रूप में हमने आगे बढ़ेले बनी वो खाली एजेंडा नहीं है वो अभियान बा और ओकरा के पूरा करके देखाओगे बा। यानी कि ये अभियान और इस संघर्ष से अपने लगन पाछे नहीं की अटल ना आवे दिन में हर टाइम जब तक स्थापना ना करवाएं तब तक जारी रही संघर्ष निश्चित रूप में हमनी के सभी दल के समेटले बनी सन और कोई ना कोई दल के सरकार बनबे करी विगत में हमनी के दल के सरकार रहे तो हमनी के डेलीगेशन ना जाए के पड़ल हम खुदे गईनी और प्रयास कैनी सन और 4 करोड़ 4 लाख आई लेकिन आज हमारे प्रदेश सरकार नहीं के तो हम सभी दल के समेट के एकरा के ले जाके मतलब कराओ तो उद्देश्य बात जोन तरीका से होके जी जी अगर हमारे पार्टी के सरकार रही तो हमें चले जाए करे अगर हमारे पार्टी के सरकार नहीं के तो सामूहिक दबाव देके एकरा कराए लेकिन करा के तो जी। लेकिन और बात जोन सरकारी कार्यालय सबके जोन कहीं ना कहीं जैसे इलाका प्रशासन कार्यालय जाए के मालपोत जाए के पड़े जोन विगत दिन में अपने लगन के विगत दिन से ही संघर्ष जारी रहल बाटे एकरा खातिर भी केंद्र में जाए के वहां से भी संघर्ष करे के अपने लगन के जोन बाटे योजना वो योजना कहाँ तक पहुंचो? यदि अपने जो बताओ के टाइम हमने के पार्टी के जब लक्ष्मण लाल कौर जी जब मंत्री बैलन तो हमने के जोना दिन बधाई देनी सन वही दिन उनका के ये एजेंडा आगे बढ़ेनी सन और वो फाइल भी आगे बढ़ेलन लेकिन दुर्भाग्य भइल वो लोग सरकार में टिके ना सकल और जौना के कारण हमने के वो जौन अभियान वगैरह सफल ना भइल ये तोर और पार्टी के जगह सरकार रहे वो लोग हमने भेला क के जब बैठक करनी सन तो बहुत लोग लागल होंगे अब कांग्रेस पार्टी छूटे डेलीगेशन ले गई ए हम कराओ तनी हम कराओ तनी कम्युनिस्ट पार्टी ए हम कराओ तनी हम कराओ तनी तो हमने के लागल नहीं लोग कराई हमने छोड़ देनी लेकिन जब चुनाव बीत गई अभी तक ले ना भई तो चुनाव के बाद हमने फिर सोचनी कि हमार तो सरकार नहीं के लेकिन आज कोई ना कोई के सरकार तो बा फिर वो लोग हमने बैठक कहनी से सामूहिक और फिर वो लोग
दबाव देव के काम कैले बानी सन और नगर पालिका अभी परिषद में तैयारी में बा और हमारा लागत था 8 दिन 10 दिन के बाद हमने फिर काठमांडू जाए और सामूहिक सभी दल के जकर सरकार बाकरा के भी ले जाए और ले जाके एक कार्यान्वयन करके दिखाए चाहे कि बारह में हो सकता रौतहट में दो दो जगह तीन तीन जगह हो सकता करलाई में हो सकता हर जिला में दो जगह तीन जगह जब सेवा केंद्र हो सकता तो परसा जिला में काहे नहीं के हो सकत वही से हमी के एजेंडा सही बा हमी के संगे भेदभाव भइल बा ओसे जौन हमी संघर्ष करता सन जरूर सफल हो। एक और बात कथी आ रहल बटे कि जैसे कि जे नेता बाटे ओकर पेशा राजनीति बा राजनीति में बहुत दिन से जनता के सेवा में समर्पित व्यक्ति निजामुद्दीन सामानी लेकिन जब समय आए जनता सही समय पर सही व्यक्ति के चुनौत ना करे सका आज के दिन में अपने के कहीं ना कहीं हतोत्साहित तो दिल में नहीं खे क्योंकि ऐसे हमने ऐसे हतोत्साहित नहीं की कि आपका जो पता हो 30 बरस पहले जब मधेश के इशू लेके जब हमने 10 आदमी बीरगंज में घूमी सन यही के लोग मधेश के लोग जरा खातिर हमने लड़त रहनी सन वो लोग हंसे तो हमने वो दिन हतोत्साहित ना बनी सन हमने के गांव के हमने के परिवार हमने के घर परिवार के लोग कांग्रेस में लागे रहे कांग्रेस के लहर रहे कांग्रेस के चुट्टी बोलते रहे वो दिन हमने भी तो उन्हें जाकर अवसर ले सकते नहीं सन लेकिन हमने के वो दिन भी संघर्ष के नहीं सन मधेश खातिर आज भी संघर्ष में बानी सन का बा उद्देश्य का बा अपने के अगर अपने के अगर फायदा लेवे के उद्देश्य बा सत्ता में जाके कमाए के उद्देश्य बा तो एगो अलग विषय हो गई वैसे आदमी के जब सत्ता ना मिली तो उत्साहित हुई हमने तो संघर्ष से आयल बानी सन और आज तक ले 30 बरस से चाहे जन आंदोलनों को मधेश आंदोलनों को हर मोर्चा पर आगे रहल बानी सन और जहां तक ले राजनीति के बात बा तो हमने एक समाज सेवा और यहाँ के समाज के उत्थान खातिर मधेश के अधिकार खातिर जो हमने लड़ रहा बनी सन तो हमने के उद्देश्य पूरा भइल बा वैसन में हमने के बात नहीं के आज प्रदेश सरकार बनल देश में संघीयता आई हमने के तो उपलब्धि मिले बानू आज आरक्षण कोटा भइल बा डायरेक्ट मधेशी के इंस्पेक्टर में हो रहा बा ये तो उपलब्धि है नु हमने के जन संघर्ष भइल बा तो सब उपलब्धि भी भइल बा तो हमने के उत्साहित भी बनी ऐसा बात नहीं के हमने के हर एजेंडा बीतल समय में जो पोखरिया नगर पालिका के खातिर जो अपने के सहयोग रहे योगदान रहे वहाँ के विकास के खातिर वहाँ के अवस्था के सुधार के खातिर लेकिन जनता मूल्यांकन करे ना सकल ऐसे कहीं ना कहीं अपने के मन में तो वैसा किस्म के नहीं कि हाँ अब जनता हमने के समय पर चिन्हत नहीं के चाहे साथ नहीं खेदे ऐसे हमने के भी बैक होके पड़ल क्या बहुत सारा लोग के देखल गई बटे कि निर्वाचन के दौरान में नतीजा यदि जनता सही नहीं खेदे सकल जनता क्षणिक स्वार्थ में लाके पैसा पर चाहे आर्थिक प्रलोभन में पर के कहीं और चल जाता ये हिसाब से एगो स्वच्छ रूप से राजनीति करे वाला व्यक्ति के खातिर ती चुनौती बानो देखिए वास्तव में कहें तो हम तो उत्साहित नहीं की लेकिन जब अभी भी बहुत महिला लोग के फोन आये चाहे भेंट की भइल लोग बात करते करते रो देला रोए लागेला उ कहला बउवा ई कामे छोड़ दो ई गलत सहयोग करब मतलब लोग के मन में दर्द बा मतलब ई हमरा बहुत बड़ा बा कोई खातिर कोई रो देता आज हमरा पद ना मिलल कुर्सी में ना रहनी कुछ कर ना सके लोग के ई मन में भावना बा जौना के चलते आज फोन करके विरोध देता सामने कैला पर विरोध अफसोस खाता जो अपने जैसा आदमी ना आई दुनिया में सबसे बड़का ये चीज बा ये परसा जिला में बहुत बड़का बड़का नेता लोग रहे लेकिन आज वो लोग का क्या अवस्था हो अपने खुद देख सकते नहीं जी जी बहुत हमेशा ना रहला कोई के ना रहला आज जो मेयर बनल बा कुछ दिन पहले वो भी मेयर ना रहे वो भी बहुत संघर्ष कैल ये रहे वो चल गई लेकिन तो होत रहला ये कोनो खास बात नहीं है कल आवे वाला दिन में हम भी फिर आ सकते नहीं जनता के कहना रही आवे वाला दिन में जनता फिर हमरो के लिए आ सकता तो हमने तो अपन जोन काम बा हमने तो अपना काम पर विश्वास बा जनता के अब जो आदमी हमरा के वोट ना दिलक अपने के बताओ के चाहे और ठीक ओकरे घर से हमरा फोन आई कि देखिए ना हमरा बच्ची के वो डिलीवरी के ऑपरेशन बा अपने के सहयोग चाहिए और प्राइवेट में ओकरा 1 लाख लागत रहे हम जाके फ्री में करेंगे तो का बा की मतलब आज ओकरा मन में तो फिर हमरा प्रति का स्थिति भइल चेंज तो भइल वैसे हमनी अपन काम कर रहल बानी पहले हमनी के जनता जितना बुझे के चाहे ना बुझे सकल उन्हें हमनी के भी कमी कमजोरी हो सकता संगठन विस्तार ना करनी हमी सामाजिक काम में ज्यादा महत्व दे देनी ज्यादा ला देनी पार्टी प्रति ध्यान ना देनी संगठन प्रति ना ध्यान देनी अब आने वाला दिन में एकरा के भी हमनी महत्व दे के आगे बढ़ाए संगठन भी मजबूत करें तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में हमनी के जगह प्राप्त हो सकता वैसे हमनी के हताहत में भी
एकदम उत्साह के साथ हमने काम कर रहे हैं। जाते जाते आम नगर वासी से क्या कहे के चाहे अपने? हम आम नगर वासी से हम एक बात कहें कि हमने जो सच्चाई खाती पोखरिया में विगत में भी हमने के मेयर जरा के जनता चुनल रहे भी सहयोग कैनी, जब वो काम ना कैलन तो हमने विरोध कैनी और जनता सहयोग कैले रहे। वैसे ही जो मेयर बहन वो भी आज हमने से समन्वय करके चलते रह, अगर पोखरिया में अच्छा कुछ करते रह तो बहुत अच्छा बा, हम सहयोग करे के भी चाहिए। और यदि नहीं से लोग कर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार अगर हमने के बात नहीं के सुनत तो हमने के संघर्ष में जाए सन तो उस संघर्ष में जनता के सहयोग करे के पड़ल और अपना अधिकार प्रति जागरूक होके पड़ल। हम ये कहे के चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर अपने समय देनी। धन्यवाद, हमर भी आवाज आम जनता तक पुगा देनी। धन्यवाद जी, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत सौर छलफल, खास करके स्थानीय तह के निर्वाचन के बाद के जो नतीजा आई और निन्न नतीजा के आधार पर जितना भी पार्टी बाटे वो पार्टी के धारणा जोन बाटे प्रतिक्रिया बाटे वो हमनी के लेव के प्रयास करत मानी से। और खास करके आज हमनी के दुगो पार्टी के नेता, एगो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के केंद्रीय महासचिव, वैसे ही लोसपा के केंद्रीय सदस्य निजामुद्दीन सोमानी जी से आज समय सांदर्भिक विषय पर बहुत सौर छलफल करिए सर। कार्यक्रम सुननी एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र सत्येंद्र यादव जी के देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलिस गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो